हमारा वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों पहले ना हम एक सवाल से शुरू करते हैं कि रिव्यू का एक्चुअली मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई मूवी हिट हो जाती है तो आप बोलो बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। अगर आप ये सुनने आए हैं तो वो रिव्यू नहीं होता है। अगर आप ये सुनने आए हैं कि ये अच्छा क्यों था, ये अच्छा क्यों नहीं था, क्या चीज़ काम करी, क्या चीज़ बेहतरीन और हो सकती थी, अगर आपके अंदर ये क्षमता है तब आप रिव्यू देखें। नहीं तो फिर तो आप मन में बना ही चुके हैं कि मूवी बहुत बढ़िया है या जो भी चीज़ बहुत बढ़िया है, तो उसके अलावा तो फिर कॉन्वर्सेशन ही नहीं है कोई। तो अखंडा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मैंने इसका रिव्यू डाला, शायद लोगों को समझ में नहीं आया। 90% लोगों को समझ में आ गया क्योंकि वो मूवी शोवियन थे, शायद वो थोड़े समझदार तरीके के लोग हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि अखंडा जब रिलीज़ हुई थी तो थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, अब वो सिर्फ OTT के ऊपर अवेलेबल है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार तुमने तो इसको रिव्यू किया इस तरीके से कि इसकी स्टोरी कोई ज़्यादा दमदार नहीं है, ये है वो है। तो मैंने बोला यार तुम एक तो आगे स्किप किप करके जो देखते हो ना, ये जो तुम्हारी आदत है रिव्यू देखने की, ये गलत है, पहले तो समझो बात को। हमने ये बोला कि अखंडा के अंदर जिस तरीके से बालकृष्ण की प्रेजेंटेशन है और जिस तरीके से VFX का यूज़ किया गया, जिस तरीके से हमने माइथोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है और हिंदुइज्म का एक रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पर आता है, ये भी जेन्युइनली बताया जाता है कि जो क्वैक्स होते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो ज़बरदस्ती के ढोंगी बाबा बन जाते हैं वर्सेस जेन्युइन बाबास, ये सारी कहानी है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पुरोई हुई है। बहुत सारा एक्शन है, विजुअल इफेक्ट बहुत कमाल के हैं, BGM इस तरीके का आपको गूजबम्स देता है, बट ये एकदम पिच परफेक्ट मूवी नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम ही आपको मतलब स्वाद ही आ गया, ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बोलते हैं ना कि मैं मसाला एंटरटेनर देखने गया, तो आप बोलोगे कि यार एक्साइटमेंट गूजबम्स ही आ रहे हैं, बट लेकिन जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा और एक हल्का सा स्टेप आगे और लेते हैं। हल्का सा स्टेप जब आगे लेते हैं तो आप देखते हैं कि स्टोरी कितनी थी। तो मैं बोलूँगा कि जी स्टोरी थोड़ी सी पेपर थिन थी। मैं बोलूँगा कि BGM कैसा था, जी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन BGM में कहीं ओवररन भी हो रहा था डायलॉग्स के अंदर, मुझे डायलॉग समझ में भी नहीं आ रहे थे। तो ये छोटी छोटी नुआंसेज, अब ये बताना ज़रूरी है। मान लिया आपके सेंटिमेंट इस तरीके के हैं, और क्योंकि कुछ रिलीजियस मैटर्स भी हैं इसके अंदर, कि आप बोलोगे कि नहीं यार इसके बारे में अच्छा ही बोलो, तो अच्छा बोला तो यार, लेकिन अच्छा का मतलब ये नहीं होता कि पिच परफेक्ट होता है हर चीज़। तो थोड़ा सा रीजनेबल रहो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मॉब मेंटेलिटी, अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी स्टार हो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती यार दुनिया में, ना मेरे रिव्यूज़ परफेक्ट होते हैं, कहीं ना कुछ कमी होती है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्स्पेक्टिव। वहाँ पर पर्स्पेक्टिव ये था इस मूवी को दिखाने का, जहाँ पर अखंडा का, कि ये बहुत ही मास तरीके की एंटरटेनर है, उसी तरीके के विजुअल इफेक्ट हैं, उसी तरीके का हीरोइज्म है, चाहे वो अखंडा का रोल हो, चाहे मुरली कृष्णा का रोल हो, जो दो अलग अलग भाई हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी थिन है, विच इज़ ओके। और आप अगर इसके पुराने वीडियोज़ में जाओगे जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन और किस तरीके से इसकी शूटिंग हुई है, उसकी लाइनअप अगर आप थोड़ी सी स्टडी करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दे हैव स्पेंट 80% ऑफ द टाइम शूटिंग ओनली द एक्शन सीन्स। तो इसका मतलब क्या है, उनका फोकस ही ये था। कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, आप अच्छे तरीके से एक्शन दिखा रहे हैं और आपने दिल जीत लिया लोगों का, वो दिखता है कि 250 करोड़ कर लिए वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने, तो सुपर हिट है। बट कुछ नुआंसेस भी हैं, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो उसके लिए थोड़ी बुद्धि को ज़रा ओपन रखो। अब मैं चाहता तो ये वीडियो ना बनाता, बट जितनी देर में मैं कोई कमेंट लिखता, मैं सबको बताता कि भाई ये मतलब है इस वीडियो का, तो मैंने चलो आमने सामने बात ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे सामने कैमरा तो है नहीं, मेरे सामने तो आप हो, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ब्रिलियंट मूवी बट कुड हैव बीन बेटर इज द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग।